जन्मदिन पर महाकाल के दर पहुंचे अक्षय कुमार, मामा के साथ शिव के दर्शन करती दिखी भांजी सिमर, गेरुआ साड़ी पहन पूजा पाठ करती नजर आई। तो कर लीजिए गजब की खूबसूरत सिमर भाटिया से आप भी एक मुलाकात। जी हाँ, बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार ने इस साल अपना जन्मदिन बड़े ही खास अंदाज में मनाया है। भैया आखिर आज 7 सितंबर के दिन अक्षय पूरे 56 साल के जो हो गए हैं। तो अपने 56वें बर्थडे पर अक्षय ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में दर्शन किए और इस मौके पर एक्टर पूरी तरह से महादेव की पूजा में लीन नजर आए। जहां अक्षय के यू भगवान के दर पर पूजा कर जन्मदिन मनाने की चर्चा सारे जमाने में हो रही है, वहीं अक्षय के साथ इस मौके पर मौजूद रही उनकी भांजी भी मीडिया हेडलाइंस का हिस्सा बन गई हैं। और भला ऐसा होगा भी क्यों नहीं, आखिर इस मौके पर अक्षय की भांजी सिमर भाटिया एकदम इंडियन लुक में जो नजर आई। महाकाल मंदिर में मामा अक्षय के साथ शिव के दर्शन करने पहुंची उनकी भांजी सिमर भाटिया गेरुआ साड़ी में दिखाई दी। और यही वजह है कि सिमर का ये देसी लुक चर्चा का विषय बन गया है। दरअसल देर रात ही एक्टर अक्षय कुमार अपने बेटे आरव कुमार, बहन अलका हिरानदानी और भांजी सिमर के साथ महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने पूरी श्रद्धा से पूजा पाठ की। वहीं इस मौके से सामने आई तस्वीरों में अब लोगों का ध्यान अक्षय की भांजी सिमर पर जा टिका है। बॉलीवुड फैमिली से आने के बाद भी सिमर के यूं अपने धर्म से जुड़े रहने के लिए लोग उनकी तारीफें करते नहीं थक रहे हैं। और सिमर का यूं जमाने में तारीफें बटोरना तो बनता भी है, आखिर वो गजब की खूबसूरत जो है। महाकाल मंदिर में वो जहाँ गेरुआ साड़ी पहने दिखी तो वो रियल लाइफ में भी बेहद खूबसूरत है। यूं तो वो मीडिया लाइमलाइट का हिस्सा ना के बराबर ही बनती है, लेकिन जब भी उनकी तस्वीरें देखने को मिलती हैं, तो उसमें अक्षय की भांजी का खूबसूरत अंदाज ही देखने को मिलता है। बताते कि सिमर एक्टर अक्षय कुमार की बड़ी बहन अलका की पहली शादी से हुई बेटी है। सिमर सोशल मीडिया पर एक्टिव तो जरूर है, लेकिन उनका इंस्टाग्राम अकाउंट उन्होंने प्राइवेट किया हुआ है। सिमर आजकल न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही है। वहीं बात अगर अक्षय की बहन अलका की करें तो वो लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती है। हालांकि वो अपनी दूसरी शादी को लेकर काफी सुर्खियों में रह चुकी हैं। भैया आखिर 40 की उम्र में उन्होंने शादी का फैसला किया था और खुद से 15 साल बड़े तलाकशुदा शख्स सुरेंद्र हिरानदानी से दूसरी शादी की थी। सुरेंद्र हिरानदानी को अलका ने अपना हमसफर बनाया था। अलका और सुरेंद्र हिरानदानी दोनों की ही ये दूसरी शादी थी। सुरेंद्र महाराष्ट्र और देश की बड़ी रियल एस्टेट फर्म हिरानदानी ग्रुप के को फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर है। सुरेंद्र के पहली पत्नी प्रीति से 3 बच्चे थे। बताया जाता है कि अलका के भाई अक्षय इस शादी के लिए बिल्कुल राजी नहीं थे, लेकिन फिर बहन के लिए वो इस रिश्ते के लिए मान गए थे। वहीं अलका अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस चलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।